वही शारदीय नवरात्र के महानवमी के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ परंपरागत कन्या पूजन किया। उन्होंने मां भगवती के 9 स्वरूपों की प्रतीक 9 कन्याओं और एक बटुक भैरव की पहले पूजा अर्चना की, उसके बाद अपने हाथों से भोजन कराकर दक्षिणा के साथ उनकी विदाई की। इस दौरान मंदिर में पहुंची अन्य कन्याओं को भी उसे श्रद्धा भाव से भोजन कराया गया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि मातृशक्ति की आराधना हमारे देश की संस्कृति है, इसीलिए नवरात्र के 9वें दिन कन्या पूजन का विधान है। देखिए तस्वीरें जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ पहले सीएम योगी ने उन कन्याओं के पैर धोए, फिर उसके बाद उनको टीका लगाया, फिर उसके बाद उनको भोजन पर बिठाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले कई वर्षों से लगातार गोरखनाथ मंदिर में कुछ इसी तरह से कन्या पूजन करते चले आ रहे हैं। सत्य सनातन धर्म का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देख सकते हैं कि इस समय सीधे जो है कन्या पूजन कर रहे हैं। कन्या पूजन में जो है किस तरह से वो एक एक जो कन्याएं हैं उनका पूजन कर रहे हैं, उनको चुनरी उड़ा रहे हैं, फिर उसके बाद उनको दक्षिणा दे रहे हैं। ये करीब करीब हर वर्ष जितने भी समय से नवरात्रि, चाहे वो शारदीय नवरात्रि की बात करें या फिर वो चैत्र नवरात्रि की बात करें, हर एक नवरात्रि में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो इस तरह से एक जो परंपरा है उसको निभाते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो जहाँ पर राजधर्म है, जहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता है, वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो दूसरा रूप है, पहला कोई ऐसा मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का जो निश्चित रूप से राजधर्म के साथ साथ अपने सत्य सनातन धर्म का भी पालन करता हुआ नजर आता है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं, बटुक भैरव का दर्शन कर रहे हैं। प्रदीपान श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, गोरखपुर। यह आयोजन मातृशक्ति के सम्मान से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्वाभाविक रूप से सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में इसे सर्वोच्च महत्व दी गई है। इसीलिए वर्ष में दो बार बासंती नवरात्र और शारदीय नवरात्रि के रूप में सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबी मातृशक्ति के प्रति सर्वोच्च सम्मान व्यक्त करने के लिए इन आयोजनों के साथ जुड़ता है। मैं पूरे प्रदेश वासियों को शारदीय नवरात्रि की इस पावन नवमी तिथि पर अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं।